नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बिरधर रौतिया, आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आप यूजीसी नेट क्लियर नहीं हैं तब भी आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। जाने क्या है इसकी प्रक्रिया। ये रेगुलर पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी के तहत भी ले सकते हैं एडमिशन, वो भी यूजीसी नेट वाले भी, साथ ही साथ एमफिल और बिना यूजीसी नेट क्लियर किए हुए स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2021 से यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर यदि बनना चाहते हैं तो आपके लिए अनिवार्य है पीएचडी। जी हाँ, अनिवार्य है पीएचडी, आप सभी जानते हैं, आपको पीएचडी करना अनिवार्य है। यदि पीएचडी नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी नहीं मिल सकती। तो दोस्तों यदि मान लीजिए आप केवल नेट और जेआरएफ क्लियर किए हुए हैं, नेट जेआरएफ या फिर सेट पास किए हुए हैं, तो क्या आपको नौकरी मिलेगी? याद रखिएगा, आप कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 2021 से ये नियम जो है अपने आप लागू हो जाएगी। आपको पता है कि इसके लिए सभी लोग जो हैं नेट के साथ साथ पीएचडी करना चाहते हैं, इसलिए सभी लोगों की ये एक मानसिकता में बैठ गई है कि मुझे 2021 के पहले किसी भी हालत में पीएचडी में एडमिशन ले लेना है। और जो कोई भी ये सोच रहा है कि मैं नेट और जेआरएफ क्लियर कर लिया हूँ तो मेरे लिए जो है बहुत अच्छी खुशखबरी है, लेकिन आपको नेट जेआरएफ मात्र से नौकरी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। 2021 जैसे ही लागू होगा वैसे ही ये नियम भी जो है लागू हो जाएगा कि पीएचडी वाले ही बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। 2021 का अवधि है। आइए जानते हैं कि बिना यूजीसी नेट के भी मिल सकता है पीएचडी में एडमिशन कैसे। और आप यदि नेट और जेआरएफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं लेकिन यदि आप पीएचडी कर रहे हैं और आपका पीएचडी हो जाएगा या हो चुका है, तो आपके लिए नेट और सेट से ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों वही स्टूडेंट जो है अप्लाई कर पाएंगे यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी किए हुए हैं, यानी कि पीएचडी का वैल्यू जो है नेट जेआरएफ से सबसे ज्यादा है। तो हम देखते हैं क्या है इसमें जो है नया समाचार जो है, इसको जो है एक बार जो है जान लेते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पीएचडी का सपना देखने वाले लोगों के लिए यह खबर काम की है, क्योंकि यहां हम आपको बताने जा रहे हैं अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो नियम सभी जानते हैं। यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद छात्र कॉलेज में पढ़ाने के काबिल हो जाता है। पीएचडी करने के दो तरीके हैं, एक है रेगुलर पीएचडी, दूसरा है पार्ट टाइम पीएचडी। हम ये दोनों के बारे में बताएंगे। रेगुलर पीएचडी के लिए आपको 3 साल तक का विश्वविद्यालय में रहना होता है, कैंपस में रहना पड़ता है। पार्ट टाइम पीएचडी की अवधि 5 साल तक की होती है। गुड। दूसरी खबर यह है कि यूजीसी नेट सेट और जेआरएफ, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो यूजीसी के नियमानुसार अभी तक आपको रिटर्न टेस्ट नहीं देना पड़ता है, ठीक है, आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। केवल आप यूजीसी नेट जेआरएफ उम्मीदवार इंटरव्यू से नहीं बच सकते, ठीक है, नहीं बच सकते, यानी कि आपको जो है इंटरव्यू देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट से छूट मिल जाएगा, रिटर्न टेस्ट से छूट मिल जाएगा, लेकिन इंटरव्यू से नहीं बच सकते। इसे क्वालिफाई करने के बाद ही पीएचडी में इनरोलमेंट करा पाएंगी। कई विश्वविद्यालय इसके लिए सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन भी लेते हैं। सेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है,
यह उम्मीदवार के राज्य के विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश में नेट की तरह काम करता है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नहीं। तीसरी खबर यह है, अगर उम्मीदवार ने एमफिल कर रखा है और वह पीएचडी में प्रवेश चाहता है तो उसे रिटर्न टेस्ट से छूट मिल जाती है, वह केवल इंटरव्यू क्वालिफाई करके पीएचडी में प्रवेश ले सकता है, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों एमफिल वालों को भी रिटर्न देना पड़ता है। आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। जो लोग इसे क्वालिफाई कर लेते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, इसमें भी आरक्षण मिलता है। इसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और जिनको जो है एडमिशन दिया जाता है और उन्हें उन्हें कोर्स वर्क 6 माह का कोर्स वर्क करने के लिए जो है अनुमति मिल जाती है। यहाँ पर आपको बता दें फुल टाइम, यहाँ पर फुल टाइम पीएचडी, फुल टाइम पीएचडी का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। आपको जो है सबसे पहली बात सिक्स मंथ आपको कोर्स वर्क करना होता है, कोर्स वर्क करना होता है। और ये कोर्स वर्क आप यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको 6 मंथ का आपको छुट्टी दिखाना पड़ेगा, यानी कि ईएल दिखाना पड़ेगा, या फिर 6 महीना तक आपके डिपार्टमेंट से छुट्टी लेना पड़ेगा, ये मान के चलिए। दूसरी शर्त ये है कि 300 दिनों का 300 डेज का जो है अटेंडेंस चाहिए, उपस्थिति चाहिए। यदि आप रेगुलर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए जो है 300 दिन की उपस्थिति के लिए समय समय पर आपको जो है छुट्टी लेना पड़ेगा, लीव लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं वो भी फुल टाइम, तो आपको जो है ये 2 शर्तों का पालन करना होगा। तीसरा चीजें जो है फुल टाइम में जो है आपको कैंपस में ही रहकर जो है पीएचडी करना है, कैंपस में ही रहकर जो है, ठीक है। ये फुल टाइम यानी कि 24 घंटा 7 दिन 24 आवर्स 7 डे ये आपका पीएचडी काम चलता है। चौथा चीजें हम आपको बता दें पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है। पार्ट टाइम का मतलब ये होता है दोस्तों, यदि आप मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास में पीएचडी डिग्री नहीं है और आप अपने योग्यता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहां पर क्लास लेना पड़ेगा और दूसरा चीजें आपको जो है रिसर्च काम करना पड़ेगा, वहीं पर ही, अलग जगह नहीं। पीएचडी करते समय आप पढ़ाएंगे भी साथ ही साथ रिसर्च भी करेंगे, इसको कहा जाता है पार्ट टाइम, इसको कहा जाता है दोस्तों पार्ट टाइम पीएचडी। पार्ट टाइम पीएचडी का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है मनमाफिक अपने तरीके से काम करना है। पीएचडी का मतलब होता है दोस्तों फुल टाइम। और यदि कोई विश्वविद्यालय आपसे ये कह रहा है कि हम पार्ट टाइम पीएचडी कराते हैं, तो भूल से भी जो है आप पीएचडी न करें, क्योंकि यूजीसी के नाम्स के अनुसार फुल टाइम पीएचडी ही मान्य है। यदि फुल टाइम पीएचडी नहीं है तो आपको जो है आपकी पीएचडी जो है वो रद्द हो जाएगी, कोई काम करनी होगा, वो कागज के टुकड़ा के सिवाय और कुछ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, यदि मान लीजिए आप नेट और जेआरएफ क्लियर किए हुए हैं और यदि लखनऊ विश्वविद्यालय में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो नेट जेआरएफ वालों को भी जो है एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, वो नहीं मानता कि नेट जेआरएफ जो है एलिजिबल है पीएचडी के लिए। लेकिन 90% यूनिवर्सिटी नेट और जेआरएफ वालों के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेता है। ध्यान दीजिएगा, वो डायरेक्ट जो है इंटरव्यू में चले जाते हैं। कई जगह, कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि वहां पर इंटरव्यू भी नहीं होता,
सीधा एंट्रेंस टेस्ट पास करो या नेट जेआरएफ हो तो डायरेक्ट आपका जो है एडमिशन, केवल नेट जेआरएफ कर लेने मात्र से ही जो है आपको मिल जाता है पीएचडी में एडमिशन। शर्तें ये है कि ये सब करने के बाद भी हमको एडमिशन नहीं मिल पाता, यानी कि मैं नेट जेआरएफ क्लियर हूँ, मैंने सिनॉप्सिस जो है प्रेजेंटेशन किया, साथ ही साथ मैंने इंटरव्यू फेस किया, उसके बावजूद भी मेरा नहीं हो पाता है, ये क्या करें? तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज दिक्कत होती है गाइड की, यानी कि सुपरवाइजर की। पीएचडी करने के लिए एक गाइड और एक सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है, गाइड या सुपरवाइजर एक ही चीजें हैं। तो यदि सुपरवाइजर, मान लीजिए जैसे 50 स्टूडेंट हैं और मान लीजिए पांच सुपरवाइजर हैं और ये पांचों सुपरवाइजर के पास में मान लीजिए पांच सुपरवाइजर और इनके पास में 4 सीट है, तो कितने कैंडिडेट ले सकता है? केवल 20 कैंडिडेट ले सकता है। लेकिन नियम ये भी है कि एक बार में, यानी कि एक साल में, एक सुपरवाइजर केवल 2 स्टूडेंट इनरोल करा सकता है। तो 5 सुपरवाइजर हैं तो यहां पर जो है 10 स्टूडेंट ही ले पाएंगी, यानी कि 10 स्टूडेंट को जो है नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा। ये यूजीसी का नियम है दोस्तों। तो बताइए 50 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया लेकिन 10 स्टूडेंट ही इनरोलमेंट हुआ, 40 सीट, मान लीजिए 10 सीट जो है रिक्त हो गया, यानी कि बचा हुआ है, ठीक है। और दूसरा चीज जो है 40 स्टूडेंट जो है क्या करें? तो देखिए, आप जब एक बार एंट्रेंस टेस्ट देते हैं या एक बार अप्लाई करते हैं तो आपके लिए जो है 2 साल एलिजिबिलिटी रहती है, यानी कि 2 साल के अंदर में आपको मिल सकता है पीएचडी में एडमिशन। यानी कि इस बार और अगले बार आपको न तो एंट्रेंस टेस्ट देना है और न ही आपको अप्लाई करने की जरूरत है, आप एलिजिबल हैं। 2 साल के अंदर में कभी भी आपके जो सुपरवाइजर है, गाइड है, वो आपको जो है स्कॉलर बना सकता है, पीएचडी में एडमिशन दे सकता है, ठीक है। ये जो रहस्य की बात है दोस्तों, ठीक है, रहस्य की बात है, वो रहस्य की बात मैंने आपको जो है स्पष्ट कर दिया। आप इसी रीति से तैयारी करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट्स लिखिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो बच्चे पीएचडी करने की इच्छुक हैं उनको भी ये जानकारी मिले। तो यही उद्देश्य है हमारा कि आप तक जो है सही जानकारी पहुंचाएं। तो दोस्तों, मैं विदाई लेता हूं, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।